नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिमानी कल्याणी और आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। सोशल मीडिया पर भावुक करने वाले वीडियो को वायरल करने वाले ने लिखा है निशब्द। इस शब्द के साथ व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से लेकर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इधर इस पूरे मामले को लेकर महाकाल टुडे ने जब मंदिर प्रशासक संदीप सोनी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को नहीं देखा है, जांच करने के बाद ही कुछ निर्णय ले पाएंगे। इधर सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकाल के दर्शन करने और सवारी में शामिल होने के लिए सपरिवार आए थे। ऐसे में जिला प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम के नाम पर जिस प्रकार से श्रद्धालुओं को सवारी में शामिल होने के लिए बैरिकेटिंग की थी, उसमें श्रद्धालु उलझ कर रह गए। कई श्रद्धालुओं की शिकायत थी कि वह बाबा महाकाल के दर्शन तो ठीक है मगर पालकी तक को नहीं देख पाए। वायरल हुए वीडियो की महाकाल टुडे पुष्टि नहीं करता है। बावजूद इसके जिस प्रकार से श्रद्धालुओं ने वीडियो को वायरल किया है उससे यह तो स्पष्ट है कि उक्त घटनाक्रम सवारी का है, पालकी के आसपास का है। भले ही कुछ फुटेज उसमें पुराने हो सकते हैं, बावजूद इसके जिम्मेदारों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बाबा महाकाल की सवारी देखने उनकी एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु देश विदेश से चले आते हैं और जब श्रद्धालुओं अपने राजाधिराज बाबा महाकाल के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो महाकाल मंदिर प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम उचित नहीं दिखाई पड़ते हैं। भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उज्जैन प्रवास के दौरान कसावट लाने के लिए प्रशासन ने श्रद्धालुओं को रोका, बावजूद इसके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है वह वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रही है। साथ ही यदि श्रद्धालुओं के साथ लगातार इस तरह की बद इंतजामी सामने आती रही तो छवि भी शहर की खराब होगी। कुल मिलाकर बाकी बची महाकाल की सवारियों को लेकर जिला प्रशासन को नए सिरे से प्लान करना होगा।